वेलकम बैक टू यसक्यूएल ट्यूटोरियल अब हम बात करेंगे नल एंड नॉट नल के बारे में देर आर सम ऑपरेटर्स इज नल एंड इज नॉट नल इन ऑपरेटर्स को भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर इज अ एग्जाम्पल टेबल इस टेबल को आप भी क्रिएट कर सकते हैं यू नो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इस टेबल को मैंने डिस्क्राइब किया है डिस्क्राइब करने पर मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिला देर इज अ कॉलम नल इसमें यस और नो वैल्यूज हो सकती है देर इज अव फॉर आई डी फील्ड इसका मीनिंग है कि आई डी फील्ड में नल वैल्यूज नहीं हो सकती वेर एज अदर फील्ड में हो सकती है बिकॉज इट इज यस फॉर अदर फील्ड नाउ वॉट इज नल नल रिप्रेजेंट करता है अबसेंस ऑफ वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू सपोज आप वैल्यूज इंसर्ट करते वक्त वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते किसी कॉलम के लिए उस कॉलम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल मानी जाएगी इफ देर इज ए यस फॉर दैट कॉलम आईडी फील्ड के लिए यहां पे नल की वैल्यू नो no है इट मीन्स आई फील्ड के लिए आपको वैल्यू प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी नल डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी आई के लिए रिमेंबर प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट नॉट नल होता है प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है आप अदर फील्ड्स को भी नॉट नल बना सकते हैं इट मीन्स यहां पे नो no रख सकते हैं आपको ये टेबल डेफिनेशन के वक्त करना पड़ेगा जस्ट आपको कॉलम के सामने नॉट नल लिखना पड़ता है चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ एवरी थिंग फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल देर आर टेन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन दिस टेबल रिकॉर्ड नंबर फाइव में नल वैल्यू है फॉर द ई मेल अकॉर्डिंग टू द टेबल डेफिनेशन नेम एज सैलरी एंड इज अंडर स्कोर एक्टिव में नल वैल्यू हो सकती है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है नल वैल्यू को वेराज आई डी कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती बिकॉज इट इज अ प्राइमरी की एंड प्राइमरी के लिए नल वैल्यूज नहीं हो सकती देर आर लॉट्स ऑफ एम टी वैल्यूज ऑल्सो ये देखिए ये एक एम टी वैल्यू है दिस इज ऑल्सो एम टी दिस इज ऑल्सो एम टी एम टी यानी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो एम टी एंड नल दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं देर आर जीरो वैल्यूज ऑल्सो सो जीरो वैल्यूज भी नल वैल्यूज नहीं होती हैं सो रिमेंबर एम टी स्ट्रिंग दैट इज एम टी वैल्यू एंड जीरो कैन नॉट बी नल अब सपोज मुझे ऐसे ईमेल्स फेच करने जिनका वैल्यू नल है अगर आप सोचते हैं कि आप सिंपली वेयर क्लॉथ यूज कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सो लेट्स ट्राई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल वेयर ईमेल इक्वल्स नल एंटर करने के बाद मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला एम टी सेट ई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस रेकॉर्ड लेकिन मुझे नहीं मिला सपोज मैं नल को कोड्स के अंदर फूट करके देखता हूं फिर भी कुछ नहीं मिला है सपोज मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका ई मेल नल है तो इस केस में आप इस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते आपको ईज नल ऑपरेटर यूज करना होगा कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है वेयर ई मेल एंड देन ईज नल एंड इट यू गॉट वन रेकॉर्ड कंटेनिंग ईमेल वैल्यू एज नल लेकिन रिमेंबर आपको रिकॉर्ड नंबर थ्री नहीं मिला है इवन इफ इट हैज एम टी वैल्यू क्योंकि एम टी वैल्यू नल के अंदर नहीं आती है अब क्वेश्चन आता है कि टेबल में ये नल वैल्यूज आती कैसे मैं फिर से सिलेक्ट ऑल करता हूं फ्रॉम टेबल एंड एक न्यू रेकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ सो दिस इज अ टेबल एंड एक न्यू रेकॉर्ड इंसर्ट करता हूं इंसर्ट इन टू टेबल नेम एग्जाम्पल टेबल एंड देन कॉलम नेम्स मैं स्पेसिफाई करता हूँ सिर्फ आई डी कॉलम बाकी कॉलम्स मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा क्योंकि इनकी वैल्यूज मुझे नहीं देनी है कंसिडर एंड वहाँ बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज आएगी एंड वैल्यूज मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ आई डी के लिए इलेवन एंड दैट्स इट रन करने के बाद क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड अब मैं फिर से सिलेक्ट ऑल करता हूँ यू कैन सी नल वैल्यूज हियर सो जिन कॉलम्स की वैल्यू आप प्रोवाइड नहीं करते जो वैल्यूज आप प्रोवाइड नहीं करते उनको देन रिप्रेजेंट किया जाता है विथ नल सो इन शॉर्ट वॉट इज़ नल नल इज़ जस्ट एन एबसेंस ऑफ वैल्यूज वैल्यूज यूजर ने एंटर नहीं की है लेकिन यू मस्ट हैव द वैल्यू फॉर आई डी आई डी इज अ प्राइमरी की एंड उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती सपोज मैं रिमूव कर देता हूँ फ्रॉम हियर कुछ भी पास नहीं करता हूं एंड इन दिस केस क्वेरी ओके तो हो क्या मैं रन करता हूं देर इज नो नल तो इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती दिस इज ऑटो इंक्रीमेंटेड सो नया वैल्यू जनरेट हो गया लेकिन सपोज ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं होता है तो आपको एरर मिल जाएगा सो इस नल इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है टू फेच नल वैल्यूज और रिकॉर्ड्स कंटेनिंग नल वैल्यूज अगर आपको इसका अपोजिट करना है तो आप इज नॉट नल का यूज कर सकते हैं मैं सिमिलर क्वेरी यूज़ करता हूँ एंड लिखता हूँ ईमेल इज़ नॉट नल दिस इज़ रीडेबल क्वेरी सो ईमेल नल नहीं होना चाहिए सो यू विल गेट ऑल ई मेल्स कंटेनिंग वैल्यूज एंटर करता हूँ एंड ये देखिए सिर्फ नल वाले जो रिकॉर्ड से वो नहीं मिले एम टी स्ट्रिंग वाला रिकॉर्ड भी मिल गया है क्योंकि वो नल के अंदर नहीं आता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू नेक्स्ट टाइम